पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज सरबल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में एक कुव्वते मुदाफत बढ़ाने के लिए इंसानी जिस्म की जो कुव्वते मुदाफत है, जैसा कि आप में से अक्सर लोगों को इल्म होगा कि अगर इंसान की जिस्म की कुव्वते मुदाफत ठीक है तो उस पे कोई भी वायरस या कोई भी जरासीम या कोई भी बैक्टीरिया जो है वो असर अंदाज नहीं हो सकता। अगर उसका अटैक हो भी जाता है, वो उस पर मुतासर भी उससे हो जाता है आदमी, तो वो इंशाल्लाह ताला वो उस की वजह से होने वाले जो मसाइल हैं उससे बच सकेगा। जिस तरह के आज दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से एक बहुत बड़ा खौफ और आस पाया जाता है, शोर मचा हुआ है, तो ऐसे लोगों के लिए जिनकी कुव्वते मुदाफत कमजोर है, इसका एहतियात जितनी भी इस तरह की खतरनाक अमराज होती हैं उनमें सबसे पहले ये किया जाता है कि इनसे बचने की तदाबीर इख्तियार करें कि पहली बात यह कि आप इससे मुतासर ही ना हो सके। उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान इस दूसरी गवर्नमेंट भी, पाकिस्तान के अलावा भी जितनी दुनिया की हुकूमतें हैं, वो मुख्तलिफ तरीकों से अवाम-उन-नास में एक आगाही मुहिम चला रही हैं, उनको फॉलो करें। दूसरी बात यह है कि तिब की नज़र में या तिब के मुताबिक इसका कैसे इंसान की कुव्वते मुदाफत बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए मुख्तलिफ दोस्तों ने मुझे कॉल भी की हैं। फेसबुक पे भी मैं देख रहा था, मेरा सिस्टर बता रहा था कि उसने बेशुमार लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आप इसके बारे में कुछ बयान करें। तो तिब्बे यूनानी का एक बहुत ही मारूफ नुस्खा, बिल्कुल आसान नुस्खा, बिल्कुल बेजर नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जो लोग साहिब इस्तेताअत हैं, जिनके पास ये नुस्खा बनाने की है, अल्लाह ताला ने उनको ताकत अता की हुई, वो इसको बनाएं। बिल्कुल बेजर नुस्खा है और किसी भी कोरोना समेत जिसमें इंसानी में जो कुव्वते मुदाफत की कमी की वजह से होने वाले जितने अमराज हैं उनसे आप महफूज रह सकते हैं इस नुस्खा से। काब्रीन का नुस्खा है, बहुत बड़े बड़े तबीबों का नुस्खा है और आज तक ये सदियों से लेके आज तक इस्तेमाल हो रहा है। नुस्खा मुबारक ये है कि आपने अंबर लेना है, मिसाल के तौर पे अंबर 3 ग्राम आपने ले ली, खालिस अंबर लेना है 3 माशा या 3 ग्राम, 3 ग्राम इसमें आपने ज़ाफ़रान डालना है, ज़ाफ़रान खालिस लेना है 3 ग्राम, अंबर लेना है 3 ग्राम, 3 ग्राम ही आपने जिद्वार खताई लेनी है। जिद्वार खताई जो है ये 3 ग्राम आपने लेनी है, ये बहुत बड़ा जहरों का त्रिया की दवाई है और एक कुव्वते मुदाफत को बढ़ाने के लिए, इंसानी जिस्म को कुव्वत फराहम करने के लिए बेमिसाल दवाई है। इसी तरह ज़ाफ़रान भी कुव्वते मुदाफत बढ़ाने के लिए ताकत की बेमिसाल दवा है। अंबर जो है ये तो मशहूर, एक आप पूरी दुनिया जानती है कि ये कुव्वते मुदाफत बढ़ाने के लिए और इंसानी जिस्म को ताकत फराहम करने के लिए बेमिसाल दवा है। अंबर, ज़ाफ़रान, जद्वार हताई तीनों को बराबर वजन लेके इनकी छोटे चने के बारीक पीस लें, इनको ब्रीक पीस के, अगर आपने पाउडर इस्तेमाल करना है तो फिर भी छोटे चने के बराबर, रोजाना आप इसको दूध के एक गिलास के साथ ले लें। अगर आपने इसकी गोलियां बनानी है तो छोटे चने के बराबर थोड़ा सा पानी डाल के गोलियां बना लें, एक गोली रोजाना इस्तेमाल करें। अगर कोई बुजुर्ग हैं आप फर्ज करें उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है या 70 साल 80 साल है, आप उनको देना चाहें, बहुत ज्यादा कमजोर है, तो उनको फिर ये एक गोली सुबह एक गोली शाम दें। अल्लाह के फजल व करम से अमीराना नुस्खा जरूर है, महंगा नुस्खा जरूर है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें, कुव्वते मुदाफत उनकी बढ़ जाएगी। कोरोना समेत इंशाल्लाह ताला जितनी भी दूसरे जरासीम या वायरस आम रूटीन में इंसानी जिस्म पर हमला आवर होकर उसको मुतासर करते हैं, कुव्वते मुदाफत कमजोर होने की वजह से मुख्तलिफ अमराज़ अलामात में मरीज मुबतला हो जाते हैं, उनके लिए ये बेमिसाल नुस्खा है। और कोरोना के लिए तो ये बिल मिजाज भी, इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क बनता है, तो कोरोना जो है ये सर्दी की वजह से इसके तमाम वायरस की जो पैदा करदा अलामात है वो इंतहाई खुश्क सर्द मिजाज की अलामतें हैं, तो उनको
ये बिल मजाज बिल फेल खत्म करने का बेहतरीन एक मुजर्रब तरीन नुस्खा है। इसी वीडियो के अलावा मैं गरीबों के लिए भी इस मजाज के जो है एक नुस्खे में इंशाल्लाह कार्ड करवाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और इसको दूसरे दोस्तों तक शेयर भी करें ताकि मुश्किल की इस घड़ी में दुखी इंसानियत फायदा उठा सके। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे जल्द चाहता हूँ कि अल्लाह तआला हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।